वन्य प्राणियों से फसलों की सुरक्षा के लिए की गई फेंसिंग तार में करंट प्रवाह के चलते एक युवक की जान चली गई। घटना जनपद पंचायत वारासिवनी के ग्राम बोटेझरी की है, जहां पर किसान के द्वारा खेत में लगाई गई फल्ली की फसल बचाने के लिए बिजली के तार में करंट का प्रवाह किया गया था, जिसकी चपेट में आने से 27 वर्षीय शुभम उर्फ बिट्टू की घटना स्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही वारासिवनी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और ग्रामीणों के बयान दर्ज कर शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर मुर्गी फार्म के संचालक निर्भय सहारे ने बताया कि फार्म में कार्य करने के लिए बाहर से इंजीनियर आया हुआ था। उसके साथ मृतक शुभम गौतम फार्म हाउस में 2 दिनों से रुका हुआ था। शनिवार की रात खाना खाने के बाद बाहर गया था, जिसकी तलाशी करने पर भी वह नहीं मिला, जिसके बाद फार्म हाउस के CCTV कैमरों में देखने पर शुभम पीछे के रास्ते से जाते हुए नजर आया। तब वे पीछे के रास्ते में खोजबीन करने गए तो शुभम मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे लेकर उन्होंने तत्काल शुभम के परिजनों को सूचना दी और सिविल हॉस्पिटल वारासिवनी पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस अब इस पूरे मामले में लोगों के बयान दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। तो हम लोग फिर ढूंढने गए फिर से, तो इसको मिला मेरे साथ वाले को कि यहाँ पर है, तो उसको फिर हमने करंट से अलग करे तार से, और उसके बाद में फिर वो मृत हो गया था। यानी उसके हमने चेक वेक करे थे सब, तो बॉडी में कुछ जान तो बची नहीं थी। उस दौरान मुझे भी करंट लगा हुआ था, तो उसी ने मुझे बचाया। किसका खेत था ये और कैसे लगा करंट? ये खेत है एक मरार समाज का, उनका नाम, अब वो पिताजी के नाम पे खेत होगा जो चला रहा था वो, उसका नाम है शायद नागेश्वर, महेश नागेश्वर, उनका खेत था ये। अच्छा, क्यों लगाया था उनने खेत में? उन्होंने खेत में फल्ली लगी हुई है, मूंगफली, और उसको सुअर, जंगली सुअर से बचाने के लिए करंट लगाया हुआ था। रामपायली थाना क्षेत्र के खरखड़ी में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक रवि पिता गोपीचंद उम्र 17 वर्ष अपने भाई मनीष के साथ सब्जी लेने बाजार गया था, जहां से वापसी के दौरान नवेगांव में विपरीत दिशा की ओर से आ रहे लक्ष्मीकांत उइके ने ठोकर मार दी, जिससे रवि गौतम को गंभीर चोटें आई थी, जिसे निजी वाहन की सहायता से खैरलांजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे वारासिवनी रिफर किया गया, जहां पहुंचने से पहले ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। सर, ये दोनों बाइक से जा रहे थे, बाजार गए थे, आने के समय वापस आ रहे थे घर, वो फिर दूसरा बाइक वाला रॉन्ग साइड से उन्होंने टक्कर मार दी, दोनों को चोट लगी। बाइक वाला जिन्होंने टक्कर मारी वो वापस भाग गए वो, और ये मेरे तो वहीं पे पड़े थे। फिर उनको फिर लेके गए हम लोग हॉस्पिटल पे, जब तक वो जीवित थे वहाँ जाने में फिर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे जो मृतक है, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सर घर जा रहे, घर से बाजार गए थे सर, ये खड़खड़ी, खड़खड़ी से वापस घर आ रहे थे, उतने समय सर एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर हुआ ये हादसा? खड़खड़ी में।